चौथा दिन सीएम ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं, समस्याएं सुन निस्तारण के दिए निर्देश। माफिया मुख्तार अंसारी ने शूटर अंगद राय की बेनामी संपत्ति की कुर्क, अंगद राय की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले साजिश के तहत आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त कर रही बीजेपी। औरैया में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 25 लीटर कच्ची शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में जारी किया लू का अलर्ट, 23 मई से राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है। वहीं सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया, जहां दूर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी समस्याएं और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। वहीं गाजीपुर से हेजहा माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग पर पुलिस और कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। इसी क्रम में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। पुलिस ने मुख्तार के शूटर अंगद राय की 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस प्रशासन ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र के चक रशीद जफरापुरा में अंगद राय की 10 करोड़ की बेनामी भू संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की है। वहीं अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार साजिश के तहत आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त कर रही है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के आरक्षण शून्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया तानाशाही भरा और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर दगी कारतूस जैसे सपा में आए थे और बाहर हो गए। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है, और उसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में। प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है और आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त कर रही है बीजेपी, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया तानाशाही भरा है और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर दगी कारतूस जैसे सपा में आए थे और बाहर हो गए। आगे और क्या कुछ कहा आपने अभी सुना, आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त कर रही है बीजेपी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। वहीं औरैया में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग द्वारा सदर कोतवाली क्षेत्र के पछिया बस्ती में अवैध रूप से बिक रही कच्ची शराब को लेकर छापेमारी की गई। टीम को देखते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं तलाशी के दौरान 300 लीटर लहन नष्ट कर दिया गया, साथ ही 2 अभियुक्त को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कहीं भी अवैध बिक्री हो रही हो तो टोल फ्री नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है। परी आयुक्त उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं जिलाधिकारी महोदय
के आदेशानुसार आज दिनांक 21/5/2023 को पछरिया बस्ती में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 300 केजी लहन मौके पर नष्ट किया गया। दो अभियुक्त पंजीकृत कर 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। टीम में आप पर्यवेक्षक क्षेत्रीय परिया प्रवर्तन कानपुर की तरफ से श्री हर्षन आप पर्यवेक्षक व थाना पुलिस सम्मिलित रहे। ऐसी बात सामने आती रहती है जहां पुलिस कई लीटर कच्ची शराब बरामद करती है, वहीं इस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। अब हाल ही में फिर से एक मामला सामने आया जहां 25 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने बरामद की है। वहीं तलाशी के दौरान आपको बता दें 300 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। साथ ही दो अभियुक्त को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार करा गया है। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कहीं भी अवैध बिक्री हो रही हो तो टोल फ्री नंबर पर सूचना भी दी जा सकती है इसको लेकर। वहीं आए दिन आबकारी विभाग जो है वो कार्रवाई करता रहता है कच्ची शराब को लेकर। वहीं अब फिर से 25 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सख्त रुख नहीं अपनाया गया है। आए दिन ऐसे वारदातें सामने आती रहती हैं। अगली खबर कुशीनगर से है जहां रामकौला थाने के खोटे ही गांव के पूर्व प्रधान राम रहक यादव की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर और सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि रामकौला थाना क्षेत्र के गाँव खोटे ही निवासी पूर्व प्रधान राम हरक यादव का शव गांव के कब्रिस्तान के पास से पड़ा हुआ मिला। इसी बीच गांव के किसी व्यक्ति ने देखा कि धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई है। उसने सूचना पुलिस को दी। वहीं उनके परिजनों का रो रोकर अब बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने इस मामले में दो पूर्व प्रधान प्रतिनिधियों और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञानेश्वर जुड़ चुके हैं। तो ज्ञानेश्वर, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के खुने गांव के निर्भय टोला के वल्ला के बाद का है, जहां पहले से घात लगाने पूर्व ग्राम प्रधान राम हरक यादव की धाराधार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिए हैं। वही इस घटना की जानकारी होते ही बीती देर रात की घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली है। इस पूरे मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस शव को पंचगांव भगत स्मार्टम के लिए भेज दिया तथा अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, तो अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है पूरे मामले में? जी, आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद ज्ञानेश्वर। वही औरैया की सदर कोतवाली पुलिस ने सुभाष चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व कर रहे सदर कोतवाल पंकज मिश्रा ने वाहन चालकों को हिदायत देते हुए कहा कि यदि बिना हेलमेट और बिना कागजात के चलते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान 2 दर्जन से अधिक वाहन चालकों को रोक कर उन्हें हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसका उपयोग अवश्य करें। तो आपको बता दें लगातार पुलिस अभियान चला रही है वाहन चेकिंग को लेकर। वहीं पुलिस हिदायत देती हुई भी नजर आ रही है कि लोग हेलमेट का प्रयोग करें। तो आपको बता दें पुलिस अभियान चला रही है। वहीं आप जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस लोगों को रोककर यातायात को लेकर जागरूकता फैलाने की बात कह रही है। वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के भी आदेश दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस अभियान चला रही है और सभी वाहन चालकों को रोककर यातायात के लिए जागरूक होने के लिए कह रही है। साथ ही हेलमेट पहनने की भी हिदायत दे रही है।
आपको बता दें आए दिन पुलिस की ओर से ऐसे अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है। यातायात के नियमों को लेकर पुलिस आए दिन ऐसे अभियान चलाती है और लोगों को जागरूक करती हुई नजर आती है। लेकिन लोगों में जागरूकता देखने को कम मिल रही है इसको लेकर। वहीं पुलिस इसको लेकर आए दिन अभियान चला रही है ताकि लोग यातायात के नियमों को लेकर जागरूक हों और हेलमेट पहने और अपनी सेफ्टी का, अपनी सुरक्षा का लोग ध्यान दें। वहीं आए दिन पुलिस की ओर से ऐसे अभियान चलते रहते हैं। वहीं संभल में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक किसान झुलस गया। घायल अवस्था में किसान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। वहीं किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भी उसी लाइन से दो जंगली नील गाय की भी मौत हुई थी, लेकिन इस विभाग ने संज्ञान नहीं लिया। साथ ही परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। संभल कोतवाली क्षेत्र के गाँव भवानीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में वृद्ध पर पुरानी रंजिश के चलते करीब आधा दर्जन दबंगों ने जमकर कहर ढाया। मारपीट में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इसके बाद घायल वृद्ध ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना दादो की नीनामई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरा मामला सर ये है कि हमारे पिताजी अपनी जगह में बैठे थे, वहाँ हमारे जो पहले थे हमारी रंजिश चल रही थी, उन लोगों ने अपने ऊपर गालियां दे रहे थे अपने घर वालों को। अब हमारी माँ को, हमारे लड़के भड़के को गालियां दे आपसी में, वे लोगों ने अपने ऊपर समझ के अपने पूरे परिवार को लेके इनकी मार पिटाई करी। इनके दांत भी तोड़ दिए, होंठ भी फाड़ दिया। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? पांच लोग। पांच किस चीज से मारपीट किए? लाठी डंडे और चाकू था साहब। क्या उम्र होगी इनकी? है जी, उम्र क्या होगी इनकी? इनकी होगी सर 65 के आसपास। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे। कितने लोग गलत तैयारी लेके आए? थाने के साथ अभी कोई तहरी नहीं दी है। अभी कहां लेके आए? वही बिजनौर कोतवाली शहर के शक्ति चौराहे पर तीन युवकों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब के नशे में तीनों आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मारपीट करने लगे। युवकों की लड़ाई झगड़े को देखने के लिए चौराहे पर एक तरफ का आवागमन बाधित हो गया, जिसमें चौराहे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। वही मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मामला शांत कराया। साथ ही थाना प्रभारी द्वारा तीन युवकों को पकड़कर सिविल लाइन चौकी ले जाया गया, जिसके बाद चौराहे पर जाम में फंसे वाहनों का गमन सुचारू हुआ। वहीं अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां के मोदी नगर थाना क्षेत्र के चूड़ियाला इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने जिसके बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुए के पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें इलाके में तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने जिसके बाद अब तेंदुए का रेस्क्यू किया है। तो आपको बता दें आए दिन ऐसी खबरें मिलती रहती है, जंगल से तेंदुए के निकलने की आए दिन ऐसी खबरें मिलती रहती है। वहीं अब वन विभाग ने एक और तेंदुए का रेस्क्यू किया है। वहीं अब तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है और अब तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। बता दें आए दिन वन विभाग ऐसी कार्रवाई करती रहती है। आए दिन तेंदुए जंगल से निकलकर शहर की ओर आ जाते हैं, जिसके बाद वन विभाग रेस्क्यू करती नजर आती है तेंदुए का, लेकिन अभी तक इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है।
ज्येष्ठ महीने में होने वाली गर्मी का असर साफ दिखाई पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 45.7 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज और 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ झांसी दूसरे दिन भी सबसे ज्यादा गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि साल सामान्य से 30% ज्यादा गर्मी बीते सालों से पहली बार पड़ी है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का असर उत्तर प्रदेश में होना बताया जा रहा है। तो वहीं 23 मई में से मौसम करवट ले सकता है और राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की भी संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, तापमान आए दिन बढ़ रहा है, तो जो विभाग है वो क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर? जी, बता दें उत्तर प्रदेश में जो अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी और मई जो चल रहा है उसमें जो इतनी अप्रैल में से जो गर्मी का जो पूरा आपको देख सकती है किस तरह से गर्मी के साथ साथ जो लू बह रहा है, जो गर्म हवाएं जो चल रही है उससे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और मौसम विभाग माने तो यूपी के तापमान का कहना है कि और भी बढ़ सकता है। वहीं कुछ दिन बाद अगर 27-28 से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बारिश होने की संभावना अभी है, लेकिन इस साल जो बारिश की संभावना बेहद कम बताया जा रहा है। हालांकि जो मौसम विभाग आईएमडी के माने तो जल्द ही लखनऊ समेत कई से बताया जा रहा है कि 27-28 तक बारिश हो सकती है। वही बताया जा रहा है कि आज या कल में देख सकते हैं तो 40 डिग्री तक जो है तापमान बढ़ रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि ये जो भीषण गर्मी है कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकती है। और इसके लिए तमाम जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग है, इसपे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और खास पर कहीं ना कहीं इस पे जो स्कूली बच्चे उनके भी मौसम उनके कॉलेज जाने आने के समय बदलाव किया गया, स्कूल को भी बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इसे लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं है वो किया जा रहा है। कानपुर में भी हीट वेव की जो बढ़ाया जा रहा है कि कानपुर में बहुत ज्यादा इस बार जो गर्मी अपनी सितम ढा रही है, 24 घंटे में वेव जो हीट वेव की रफ्तार है वो भी तेज हो गई है। और वही बताया जा रहा है कि यूपी में जो है बहुत ज्यादा इस बार गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं इसे आम जनता अपनी काफी परेशान, चाहे वो दफ्तर जा रहे हो उससे लेकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो गर्मी है भीषण गर्मी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसीलिए सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप को हर तरह से सुरक्षित कर रहे हैं भीषण गर्मी से। स्वास्थ्य विभाग है उसने लू को लेकर क्या कुछ चेतावनी दी है? जी, इस आपको बता दें कि स्वास्थ्य मौसम विभाग के अनुसार जो कहा जा रहा है कि सोमवार मतलब आज यानी तापमान जो है 40.8 डिग्री सेल्सियस बताया जो रिकॉर्ड तोड़ है। और साथ ही बताया जा रहा है इसमें कि मौसम विभाग का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये जो गर्मी पड़ रही है और इससे निजात पाने के लिए अभी तो नहीं, लेकिन 27-28 से जो है बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग इस पे लगातार इस पे अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों को साथ में कह रहा है कि अपनी सुरक्षा से करें और हर तरीके से इस ब्लू से और इस गर्म हवाओं से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें। तो मौसम विभाग हमेशा इस जो मौसम को लेकर अलर्ट है और लगातार इस पे अपडेट देते जा रहा है। और लोगों को साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे से स्कूल है उनके मौसम उनके जो समय में बदलाव किया जाए, उनकी स्कूल बदला जाए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इस टाइम जो ये धूप है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे और या जो जैसे तमाम ऐसी बीमारियां जो बीमारी लोगों को होती है उससे ज्यादा इसमें इफेक्टिबल होता है और इसलिए मौसम विभाग इसको अलर्ट जारी कर रही है। 17 जिलों में क्या लू को लेकर अब स्कूल और कॉलेज भी बंद हो सकते हैं? जी सर जी, तो लू की वजह से क्या स्कूलों को भी बंद किया जा सकता है प्रशासन की ओर से? जी, आपको बता दें कि 20 मई से ही जो मौसम विभाग के जो जब अलर्ट जारी कर दिया गया था तो जो अधिकारी है वो बता दें आपको 20 मई से ही कह दिया था कि स्कूल 20 मई से लेके 15 जून तक 1 से लेके 8 तक स्कूल के बच्चों बंद कर दिया जाए। वही जो बड़े कॉलेजेस के लोग जो स्कूल के जो लड़का लड़कियां उनके लिए जो समय जो उनका समय था उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो ये लू के चलते तमाम चाहे दफ्तर हो चाहे स्कूल है हर चीज में बदलाव किया गया है, इससे बचने के लिए तमाम भी किया जा रहा है। जी, तो सुहानी, कब तक लोगों को इस लू से राहत मिल सकती है?
जी सबको बता दें कि मौसम का कहना है कि 27-28 से जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी का असर पड़ सकता है, क्योंकि जो चक्रवाती तूफान है मुका उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव हो सकता है, बारिश के आसार हो सकता है। लेकिन इस बार जो बहुत कम मौसम में जो बारिश के आसार बहुत कम दिखाया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि 27 या 28 मई से बारिश हो सकती है, लेकिन अभी संभावना है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि हो सकती है। साफ तौर पर मौसम विभाग का है कि इस बार बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सुहानी। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।